दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमेंट की जिसका अधिकांश हमारे फॉलोअर्स ने पूछा है, और मुझसे भी वो गलती रह गई थी कि मैं उसके बारे में आपको बताना भूल गया। तो उसी गलती को सुधारते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ। प्रोफेशन की बात करेंगे, आपके स्पाउस की क्या प्रोफेशन हो सकती है, क्या चांसेस हैं अगर आपके फोर्थ हाउस में लिखा हो 4 नंबर। कैसा, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोफेशन को कहाँ से देखते हैं। हमें पता है कि अगर ये हम हैं तो हमारा प्रोफेशन जो है वो यहाँ से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्थान जो होता है दशमा होता है। अगर आपकी पत्नी का घर, आपको पता है कि सप्तम भाव हमारी पत्नी का घर होता है, तो पत्नी के घर से दसवां जो घर हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वह हुआ चतुर्थ भाव। तो इस चतुर्थ भाव से जो आपने देखना है, आपने अपने स्पाउस का प्रोफेशन देखना है। हमने पिछली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 1 से लेकर 12 जो लग्न थे उनके बारे में बात किया था। 12 राशियां जो 4 नंबर पे पड़ती हैं उनके बारे में बात किया था, लेकिन उसमें से 4 नंबर रह गई थी जो कि है आपकी चंद्रदेव की। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके कुंडली में चौथे घर में या तो 4 नंबर लिखा हो, या फिर वहां पे मून बैठा हो, या फिर मून उसको एक्सपेक्ट देख रहा हो आपके चौथे घर को। एक्सपेक्ट कहाँ करेगा, देखेगा कहाँ से? मून जो है सातवीं दृष्टि तो देगा आपके दशम भाव से, देगा आपके चतुर्थ भाव को। साथ ही साथ यहाँ पे एक केस तो ये हो गया, या तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो आपकी लग्न कुंडली में, ये आपने लग्न कुंडली में देख लेना है, या फिर आपका जो स्वामी है इस घर में, मान लीजिए कोई और नंबर लिखा हो, कुछ और नंबर और राशि यहाँ पे लिखी हो, और उस राशि का जो लॉर्ड है वो जिसके नक्षत्र में बैठा हो, जिसके नक्षत्र में गया हो, उस नक्षत्र का मालिक अगर चंद्रमा हो, मतलब कि कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो और उस नंबर का आपको लॉर्ड देख लेना है, अगर वो लॉर्ड आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाते हैं या किसी पंडित जी को दिखाते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि इस भाव का स्वामी जो है कहाँ बैठा हुआ, ये सॉफ्टवेयर से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लग गया कि भैया यहाँ पे चंद्रमा निकल के आ रहा है, तो सबसे पहली बात आप ये नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्पाउस में कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चंद्रमा के निकल के आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है वो रानी है, रानी का रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, चाहे वो PSU हो स्टेट गवर्नमेंट की, या एडहॉक जॉब हो, या फिर टेम्पररी बेस पे कुछ सालों की एक्सटेंशन बेसिस पे हो, ऐसी जॉब से रिलेटेड आपके पति या पत्नी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका स्पाउस होगा उसका जो कार्य का जो पहलू होगा वो बहुत ज्यादा 24/7 का होने वाला है। साथ ही साथ जो चेहरा होगा, जो उनका माथा होगा, वो चौड़ा होगा। अपने कार्य जब वो करेंगे उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाना वो पसंद करेंगे, अपने कार्य के साथ इमोशन दिखाना वो पसंद करेंगे। इस चीज को नोट कीजिए। इसके अलावा जो जॉब यहां से निकल के आ सकती है, आपका जो स्पाउस हो सकता है वो रियल एस्टेट का, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर हो गए, उसके एजेंट हो सकते हैं, या फिर बिल्डर लाइन से हो सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर कहीं ना कहीं पानी से रिप्रेजेंट करता है, पानी का फ्लो होता है, तो कहीं ना कहीं उनका पानी से रिलेटेड कार्य हो सकता है, पानी से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, पानी से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। प्रॉपरली एनालिसिस अपने एस्ट्रोलॉजर से करवाइए, लेकिन यहां से एक चांसेस है, एक आइडिया आपको यहां से मिल जाता है। साथ ही साथ पानी से रिलेटेड और कौन से बिजनेस होते हैं, अगर आप बेकर का काम करते हैं, बेकरिंग का काम करते हैं, वहां पे आ जाता है। अगर आप कैटरिंग का काम करते हैं, टेंट हाउस का कार्य करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे आ जाता है। अगर आप एंटी क्यूरियन का काम करते हैं, जैसे मछली पालते हैं, मछली का एंटी कार्य करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पानी का आ जाता है। जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, टेक्नीशियन हो गए, हॉस्पिटल में जो नर्सेज हो गई, और जो वहां पे टेक्निकल स्टाफ, हेल्थ केयर सेक्टर का स्टाफ हो गया, वो भी कहीं ना कहीं 4 नंबर से ही डील करता है। क्योंकि 4 नंबर माता का भी भाव होता है, इसका मतलब नर्चरिंग भी होता है, केयरिंग भी होता है, वो चीजें यहां पर निकल कर आती हैं। उसके साथ मेडिकल स्टाफ हो गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो ग्रुप B और ग्रुप C की जॉब होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इस रानी 4 नंबर कैंसर के अंतर्गत ही आता है।
और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको पता लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 4 नंबर लिखा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से भी हो सकती है, मेडिकल एक्सपर्ट हो सकती हैं, कंटेंट मैनेजर हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं लिक्विड से प्यार, पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अगर वो जॉब में नहीं होती हैं, अपार्ट फ्रॉम हाउस वर्किंग भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं घर पर आप सोच सकते हैं कैटरिंग कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट यहाँ पर दिखेंगी। तो ये मोटी मोटी चीज है, आपको ध्यान रख लेना है। मैंने प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगा, और बताऊंगा वीडियो, तो वो वीडियो आज मैंने बना दी है। आप यहां से आइडिया ले सकते हैं अगर आपके फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ नंबर में जो राशि लिखी है उसका किसी ना किसी प्रकार से संबंध आपका चंद्रमा से हो जाता है, तो चंद्रमा के कैरियर वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, उससे एक आइडिया आप इस वीडियो से निकाल सकते हैं। जाते जाते आप हमसे कोरा पे जुड़िए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हमारी जोड़ी हमारे साथ बनाइए, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिप्लाई फ्री में मिलेगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। और आपको किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट अस यूट्यूब के पेज पे, इंस्टाग्राम पे सारा कुछ दिया हुआ है, और हमारी ज्योतिष घर वैदा ऐप के साथ हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही, नमस्कार, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, धन्यवाद।